नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश राजनीति प्रदेश है और यहां पर चुनाव के समय पर चुनावी तैयारियां तो होती ही होती हैं। जब चुनाव नहीं होते हैं तो आने वाले चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल लग जाते हैं और कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में कहा यही जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसने भी जीत लिया उसने केंद्र जीत लिया, उसने अपना प्रधानमंत्री बना दिया, उसने अपनी सरकार दिल्ली में बना ली और दिल्ली की सरकार पूरे देश को चलाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश राजनीतिक मायनों में काफ़ी अहम और यूं कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अहम है। कारण इसके कई सारे हैं। सबसे अहम कारण तो इसका, अगर हम जियोग्राफी के नज़रिए से देखें तो इसका भूभाग ही है। बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, हर तरफ अलग अलग मुद्दे हैं। पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ कुछ और मुद्दे हैं, पूरब में कुछ और मुद्दे हैं, मध्य में कुछ और मुद्दे हैं, हर जगह अलग अलग मुद्दे हैं, हर जगह अलग अलग तरीके की राजनीति है, हर जगह अलग अलग तरीके से वोट मांगने का प्रयास रहता है और हर जगह राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में भी लगे हुए हैं, चाहे वो सत्ता दल की बात की जाए या फिर मौजूदा विपक्षी पार्टियों की उत्तर प्रदेश में बाकी घटक दलों की, या फिर कुछ ऐसे विपक्षी पार्टियों की जो पहले लोकसभा चुनाव में काफ़ी मजबूत हुआ करते थे लेकिन आज के समय पर वो शून्य हो चुके हैं। मैं बात कांग्रेस की भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 90 के पहले की बात करी जाए तो 85 की 85 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत जाती थी, लेकिन उसके बाद जब 90 का दशक आया तो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, इन सभी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों में बड़े पैमाने पर बंटवारा किया, सबके हिस्से में अच्छी अच्छी सीटें आईं। लेकिन वो समय भी अब बीत चुका है 2014 से। 14 आने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा देखने को मिल रहा है उससे ये साफ साबित होता है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी विषय हो, सारे विषयों के जवाब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी मजबूत नेताओं की लॉबी के पास मौजूद है। 14, 17, 19, 22 और अब 24। 24 की तैयारी में 22 का नतीजा जब आया था उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लग गई थी। अगले दिन से ही कहा जा रहा है कि वो चुनावी यात्राओं पर अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भेजना शुरू कर दी थी और वो जानने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन सा ऐसा बूथ है, वो कौन सा ऐसा विधानसभा है, वो कौन से ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमारे अच्छे वोट नहीं मिले हैं, कारण क्या रहा है। उन जगहों पर जा करके समस्याओं को समझिए, रात्रि विश्राम करिए, जनता के बीच रहिए, उनके मुद्दों को समझिए, उनकी समस्याओं को सुनकर के आकर बताइए, फिर सरकार की योजनाएं वहां पर किस तरह से काम कर रही हैं वो भी जाकर कर उनको बताने की कोशिश करिए। तो नतीजे आने के दूसरे दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता थे वो 24 की तैयारी में लग गए थे, जनता के बीच जा रहे थे। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का विपक्ष जो कहीं ना कहीं इस बार काफ़ी मजबूत रहा है, लेकिन नतीजे आने के बाद से और अब तक अगर देखें तो इस विपक्ष में काफ़ी बिखराव है। बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी, मायावती अपने घर में ही हैं, वो घर से ही रणनीति बना रही हैं क्योंकि हमेशा उन्होंने घर में ही रह करके रणनीति बनाई है। पहले वो नेता कार्यकर्ताओं के बीच जाती भी थी लेकिन अब वो नहीं जाती हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, उन्होंने कई सारे छोटे दलों के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा, मजबूत सीटें भी आईं, 125 सीटें वो जीते भी, लेकिन धीरे धीरे उनके कुछ साथी जो हैं वो उनसे नाराज़ होकर के अलग हो गए हैं, उनके रवैये, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रवैये, पार्टी की नीतियों के नाराज़गी को झेलने के बाद। और अब समाजवादी पार्टी भी बिखरी हुई नज़र आ रही है क्योंकि अकेले लीडरशिप के तौर पर अखिलेश यादव ही बचे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रदेश है, यहाँ पर कहा जाए तो ये राजनीति की प्रयोगशाला भी है। यहाँ पर कब कौन सा नेता उभर कर आ जाए और क्या कर दे ये भी कहना और समझ पाना, सोच पाना बहुत मुश्किल है। हम एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ओम प्रकाश राजभर को भी देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से पूरब में एक बड़ा वोट बैंक अपने कब्जे में कर रखा है। 5 विधायक 6 विधायक 7 विधायक जीत रहे हैं उनके। संजय निषाद को भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से
वो उनके बेटे इस वक्त उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय हैं और कुछ और राजनीतिक दल जो हैं वो उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों में या फिर केंद्र में मजबूती से सामने आए हैं। अपना दल की भी बात उसमें की जा सकती है। तो ये राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं काफ़ी अहम योगदान इस वक्त केंद्र और प्रदेश की राजनीति में रखे हुए हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश को राजनीति प्रदेश कहा जाता है, राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। लेकिन 2024 के चुनाव को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर सवाल जो है वो सरकार से पूछे जा रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब उनके पास क्या होंगे? क्या विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव भी होगा? मैं उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, यहाँ जो जीतता है वो केंद्र में अपनी सरकार बनाता है, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। और क्या वही मुद्दे एक बार फिर से 2024 के चुनाव में भी रहेंगे? पिछली बार 2022 के चुनाव में 37% वोट जो था वो विपक्षियों के पास गया था। अगर ये इस बार फिर बढ़ता है 2022 में और 24 तक आते आते ये 37% अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इसकी जो समस्या है पूरी की पूरी बीजेपी के ऊपर ही पड़ेगी। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि करीब 68 ऐसी सीटें हैं जो 2022 में 200 से 2000 के वोट के अंतर से बीजेपी ने जीती थी। तो ये भी बीजेपी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से वो लगातार काम कर रही है। फिलहाल बीजेपी की लड़ाई कुछ ऐसे राजनीतिक दलों से हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करने की लड़ाई को पीछे छोड़कर अपने आप को मजबूत करने में ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अकेले नेता बचे हुए हैं। कांग्रेस 3-4 महीने से अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई है। इस मजबूत लॉबी के सामने आम आदमी पार्टी लड़ तो रही है लेकिन किस तरह से वो लड़ेगी, कैसे जीतेगी, ये भी अहम बात है। वो लगातार अपने दिल्ली के रोड मैप और पंजाब के रोड मैप के बारे में बताती नज़र आ रही है लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका कितना असर होगा, ये सारे विषय जो हैं इनको इस डिबेट के माध्यम से हम चर्चा करके इसका निष्कर्ष जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। बयान सुनिए और उसके बाद में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू। तो मैं भी रहा लेकिन जो अध्यक्ष रहे उनके मस्तक पे मुकुट तो बन गया कि उनके नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन उस जीत के संपूर्ण श्रेय के अधिकारी कोई है तो सुनील बंसल जी है, उनका भी मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। नव दायित्व मिला है उसमें सफलता के भगवान से प्राप्त। कहने वाले कांग्रेस के लोग एक तरफ बैठे थे, विरोधी लोग एक तरफ बैठे थे कि आज भाजपा की सदस्यों की संख्या कम है, आज तुम हम पर हंस रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की देश में भी और प्रदेशों में भी सरकार होगी और पूरा देश तुम्हारे नाम नहीं लूंगा उनके ऊपर हंसेगा। इस बात का नहीं है लेकिन ये समय इस बात को भी याद दिलाता है कि जो संकल्प लाल किले से लिए जाएं और सीधा सीधा जनता को संबोधन करके लिए जाएं संकल्प, और अगर पूरे नहीं हुए तो प्रश्न लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि देश के सामने चुनौतियां भी हैं और चिंता करने का समय भी है, क्योंकि जिस समय बेरोजगारी चरम पर हो, आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर हो और उद्योग कारखाने न लग रहे हों, कुछ लोगों के पास पूरी संपत्ति आ गई हो, फिर ये कैसी आर्थिक आजादी होगी? कि हमारी जो प्लानिंग चल रही है, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सावधान यात्रा निकालने जा रहे हैं किसी 26 सितंबर से अगले महीने, और उसका उद्देश्य यही है कि जो अब तक सत्ता में लोग रहे, जो आज जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, हम एक समान शिक्षा लागू करेंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, ये सत्ता में लोग थे तो क्यों नहीं किए? सत्ता से बाहर आने के बाद आज इनको याद क्यों आ रही इस बात को? अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है,
इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सैयद मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी जुड़े हैं। सभी मेहमान का आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। दिवाकर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, विपक्ष से लड़ने की क्या कोई तरकीब आपने ढूंढी? 2022 में 37% वोट ये लोग लेकर के गए थे, कैसे उसको अपने पास ले आएंगे? और अगर इस बार 37 से ज़्यादा लेकर के ये लोग चले गए तो आप लोग की कहानी ख़राब हो जाएगी। देखिए नीतीश जी, हमारी पार्टी के नाम पे आपने जो कहा है, पार्टी हमेशा सतत प्रयासरत है, हमेशा चुनावी मोड में रहती है, जो आपने अपने वक्तव्य भी कहा है। और हमारे वरिष्ठ नेता विकास की बात करते हैं, विकास पहले है, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान पहले है, और जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान विकास की बात करेंगे तो वोट तो हमारे पास है ही है। अच्छा, वोट तो हमारे पास ऑलरेडी है और आप देख रहे हैं 14 से लगातार वोट प्रतिशत तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हुआ लेकिन कम नहीं हुआ, बढ़ाई है। और जो हमारा टारगेट हमारे माननीय नेताजी कहते हैं कि 51% हमारा वोट प्रतिशत होगा, उस पर नितंत निरंतर पार्टी हमेशा जनता के साथ है, जनता के संपर्क में है, सारे अपने नेताओं को जनता के साथ लगाई है, हर जिलों में दौरा हो रहा है, प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात मैं विशेष रूप से कर रहा हूँ, जितने बड़े अधिकारी हैं सबको जिलों में महाराज जी ने कह दिया है कैंप करने के लिए, लोग जाके कैंप कर रहे हैं। और हमेशा जनता से सीधे जुटने के लिए बड़े नेता, हमारे पार्टी के बड़े नेता, बड़े मंत्री, स्वयं महाराज जी हमेशा दौड़ा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, एसी कमरे में बैठ करके राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एसी कमरे में राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, वो मैं पूछूंगा। अच्छा, ये महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के आजकल काफ़ी सवाल जो है पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं, बाकी नेताओं की तरफ से, इसका कुछ जवाब है क्या आपके पास? देखिए, ग्लोबल मार्केट है, कई चीज़ें ग्लोबल मार्केट पर निर्धारित हैं। जब भी विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था है, पहले जो कांग्रेस के समय में थी, इतना ग्लोबल नहीं हुआ मार्केट होगा होता था, स्व उत्पादन और स्व उपभोग की हमारी 80% क्षमता है। हमारे देश की यही रीत है कि अभी तक जो है कि 80% जो हम उत्पादन करते हैं स्व उपभोग करते हैं, लेकिन कुछ क्लाइमेट जैसे हो जाता है तो कुछ उत्पादन कम हो जाता है। जो विश्व की स्थिति है, जैसे आप डॉलर की तुलना करते हैं या जो विश्व में क्रूड ऑयल की जो तुलना करते हैं, कुछ वैश्विक मार्केट है, उसके बाद भी जनता पे, सामान्य जनता पे लोड न पड़े, भार न पड़े, इसके लिए सरकार सब्सिडियां लाती रहती हैं जो डायरेक्ट खाते में जाता है, कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, कहीं ना कोई घपला होता है, ना ये कोई आरोप लगा। तो जितना हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी अधिक से अधिक जनता की चिंता करते हैं, अंत्योदय हमारा इसी पर निर्भर है, अंत्योदय योजना जो हमारा है ना, कि भारत भाजपा के, इन लोगों को भाजपा समझ नहीं आता, भाजपा के गरीब की झोपड़ी में बल्ब जलना शुरू हो गया, गरीब की झोपड़ी में बल्ब जलना शुरू हो गया, कितना आप सुनेंगे? 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड से, 5 लाख तक का फ्री इलाज हो रहा है। ये लोग क्या नई चीज देने जा रहे हैं? ठीक है सर, ठीक, पूरा फ्री इलाज हो रहा है। और एक चीज आपको बता दें, मुख्यमंत्री सहायता कोष के पर डे, हम आंकड़ा नहीं बताएंगे, पर डे मुख्यमंत्री जी अपने फंड से रिलीज करते हैं, जो हॉस्पिटल का एस्टिमेट आता है, बड़ी बीमारी गंभीर बीमारियों में जो भी होता है उसके उपचार में कभी कोई देरी नहीं होती है। अगर आज आप अप्लाई किए, अप्लाई किए, सुन लीजिए, तो एक हफ्ते के अंदर अस्पताल में पैसा पहुंच जाता है। ठीक है, हमारी आप पूरी बात सुन लीजिए ना, सुनेंगे, हम सबकी बात सुनेंगे। तो हमारी सरकार निरंतर प्रगतिशील तरीके से काम करती है, विश्व में ऊंचा मस्तक है, कहीं कोई नहीं कह सकता कि विश्व में पहचाने नहीं जाते हैं। ठीक सर, ठीक। और प्रदेश बीमारू प्रदेश से, कई प्रदेश से उभर करके हम उत्तम प्रदेश बन गए हैं। ठीक ठीक, शैलेंद्र तिवारी क्या कह रहे हैं भाई? शैलेंद्र तिवारी को ऑडियो नहीं मिल रहा है। हाँ बोलिए बोलिए शैलेंद्र भाई। मैं आपको बता दूं, हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता, हाँ, वो या देश की जनता, हाँ, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी, हाँ, जो बता रहे थे, वाहवाही
हाँ, तब पा रहे थे। हाँ, यहाँ लखनऊ राजधानी में अलीगंज सीतापुर जानकीपुर रोड योजना जानकीपुरम इन तमाम जगहों पर लोग छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं, छोटी छोटी समस्याओं से, फीवर पीने का पानी, वहाँ हाइजा फैल रहा है, वहाँ मलेरिया फैल रहा है, तमाम बीमारियां फैल रही हैं। और ये बता रहे हैं कि लाल किले पे झंडा फैल चुका है, वो विश्व में जा रहा है। कौन से विश्व में जा रहा है, कहाँ पर समस्या है, रुपए की क्या स्थिति है, आप बताइए। रुपया गिर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का नजरिया गिर रहा है, क्या गिर रहा है समझिए। रुपए की उम्र जो है, रुपए की आंकड़ा जो है, वो भारत के प्रधानमंत्री से ऊपर पहुंच चुका है। और ये बता रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, कौन सी तरक्की कर रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हो, 80 करोड़ लोग जो है मांगने खाने की स्थिति में आ गए हैं, और आप बता रहे हो कि जो है देश तरक्की पर है। कौन सी तरक्की है, ये कैसी तरक्की है कि जो है आदमी मांगने खाने मजबूर हो चुका है, आप ये समझिए। और दूसरी जी, क्या चीज सस्ती रह गई, कड़वा तेल 65 रुपए किलो था 2013 में, अब आज है 230 रुपया में, यानी कि 3 गुना की महंगाई, 350 रुपए का सिलेंडर। नहीं तो दिवाकर जी कह तो रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट है, विस्तार हुआ है, चीजें बढ़ी हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ गई है। अरे नितिन सर, आपसे पूछिए कौन सा ग्लोबल है, 65 की बात मत करिए, सन 65 की बात मत करिए, आप 2022 में जी रहे हैं। बीच में बोलना, अच्छे बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। हाँ, शैलेंद्र भाई बोलिए। है ना, कुल मिलाकर के मेरा कहना ये है कि कहाँ ग्लोबल है, 65 रुपया 350 रुपए का सिलेंडर था 2013 में, 2013 अभी कितना चल रहा है 2022, और इस समय सिलेंडर है 1000 रुपए का, सब्सिडी उसमें गायब है। अब उस समय सब्सिडी थी, लोगों की 150 रुपए सब्सिडी आती थी। तो ये वही तांडव करने वाले लोग हैं, धोखेबाज, जुमलेबाज, ठीक है, पत्तेबाज, ये सारी स्थितियां इनकी बन चुकी है। जब खड़े होंगे तो एक नई लाइन देंगे, 25 साल में देंगे, गायब हो गई है करोड़पति, और वो आपका जो अभी 2 करोड़ रोजगार है वो पता नहीं है। मतलब झंडा ना सीटी हम भी टीटी, जनता कुछ नहीं मिला है, हम पड़े हुए हैं। अरे ठीक है, कितना लड़काओगे जनता को, ऐसे में आपने सवाल पूछेगी योगी सामने आएगी। इन सवालों के जवाब नहीं है कि जो है देखिए, गाय से मिलने वाली घी दूध ये भगवान का दिया जलाने के अपराधी हो गए, लोग घी से दिया नहीं जला पाएंगे, उससे जीएसटी लगा दिया इन्होंने, कफन पे जीएसटी लगा दिया, काहे कुछ बचा। तो मैं कहूंगा कि इनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बहुत भयावह हो चुकी है। जनता जिस दिन समझेगी उस दिन इनको ऐसा गाय करे। जनता को समझाने के लिए क्या कर रही है कांग्रेस शैलेंद्र भाई? जनता को समझाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों पे जगह जगह लड़ रहे हैं। अब समझाने के लिए किसी का घर तो फूंक नहीं देंगे, हम कोई आतंकी तो है नहीं, आतंकी तो है नहीं। आप इतना नाराज क्यों हैं दिवाकर जी से? अरे दिवाकर जी तो भाई हैं अपने, उनसे क्यों नाराज होंगे? हम किसी भी व्यक्ति से नाराज नहीं, दिवाकर जी अपने भाई हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, हम भी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, दिवाकर को भी तो हक मर रहा है, कोई मेरा ही थोड़ी हक मर रहा है। दिवाकर को भी वो दाल 100-200 रुपए में खरीदी पड़ रही है, दिवाकर को भी कड़वा तेल 225 में खरीदना पड़ रहा है, दिवाकर को भी टमाटर 60 रुपए मिल रहा है, दिवाकर को भी चीनी महंगी मिल रही है। सब कुछ कोई हमारे लिए नहीं है, वो चाहे दिवाकर जी प्रवक्ता हो, चाहे हम दिवाकर हो, चाहे रमाकर हो, चाहे कमाकर हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो महंगा ना ले रहा हो। 1000 रुपए का सिलेंडर कोई दिवाकर के लिए सस्ता नहीं है, सस्ता कांग्रेस के लिए नहीं है, सस्ता बीजेपी के लिए नहीं है, सस्ता किसी के लिए नहीं है। वो ठीक है सर, ठीक है, आम आदमी की समस्या है। ठीक है सलीम भाई, मैं आता हूँ। तारिक खान हमसा समाजवादी पार्टी से। तारिक भाई, 2024 के लिए आप लोग की क्या प्लानिंग है? दिवाकर जी की बातें आपने सुनी है भाई? जी जी जी, देखिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों को अभी अभी जो यात्रा निकाली गई, हम अपना और सदस्यता अभियान भी चल रहा है साथ में। यात्रा में हमने सिर्फ यात्रा ही नहीं निकाली है, जगह जगह छोटी छोटी जनसभाएं कर भारतीय जनता पार्टी के जो अचीवमेंट है और देखिए वो भी बताया। देखिए महंगाई अगर है ही नहीं, आप बेवजह कह रहे महंगाई है। मैं कहा कह रहा हूँ, आप ही लोग कहते रहते हैं। नहीं नहीं, महंगाई एकदम नहीं है। और सुन लीजिए, जो ये इन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय जो चीजें हैं वो जिम्मेदार हैं, हाँ बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय चीजें जिम्मेदार हैं। जो इन्होंने यहाँ जीएसटी बढ़ाया उसके लिए भी पुतिन जिम्मेदार है।
कैसी बात, उसके लिए पुतिन जिम्मेदार है। हिंदुस्तान में जो ये जीएसटी बढ़ाते जा रहे हैं खाद्य सामग्रियों पे, उसको भी पुतिन ने फोन करके कहा होगा कि भैया ऐसा करो कि बढ़ा दो जीएसटी, लगा दो सब पे खाने पे। अभी आज ही आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं, मदर डेयरी ने दूध बता दिया, बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे रोकना पड़ेगा, एक बात बताइए मुद्दा है नहीं भी रोकना, कैसे कैसे जीएसटी पे आपने कॉर्पोरेट टैक्स 180,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, कॉर्पोरेट टैक्स आप घटाते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया होगा, प्रधानमंत्री टोयोटा से गाड़ी से चलते हैं, केनिथ कोल का जूता पहनते हैं, आप जानते हैं केनिथ कोल जर्मनी का ब्रांड है, 15 लाख रुपए का जूता आता है, मोवेंडो की घड़ी लगाते हैं, मोवेंडो कहां का ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है, और क्या पहनते हैं, मेबैक का चश्मा लगाते हैं, टोयोटा की गाड़ी से बड़ी बड़ी चलते हैं, जब बनारस गए ऐसे मेक इन इंडिया होगा नहीं करा रहे हैं, किसी व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए, कोई मुद्दा तो आपके पास है ऐसे, अरे चुपिए भाई बीच में ना बोलिए, देखिए नितिन भाई इनको बीच में ना बोल रहा, बोलिए आप गाली दें, ऐसे ऐसे विश्व गुरु बनेंगे आप। आपने महिलाओं की बात की, बलात्कारियों को छोड़कर जघन्य अपराध करने वालों को सरकार ने रिफर किया कि उनको छोड़ दिया जाए, ऐसे विश्व गुरु बनेंगे आप। बलात्कारियों को छोड़कर गुजरात में सरकार रिकमेंड करेगी कि बलात्कारियों को छोड़ दे, और आप कहेंगे धर्म पे आधारित जाती है, धर्म को आधार बनाकर राजनीति करेंगे और बलात्कार जैसे संगीन जुर्म के उसको जो लोग मानेंगे। और वहां के मैनुअल में लिखा हो उनको आप छोड़ देंगे, भागते हैं लड़के आपके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि महंगाई आहंगाई नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है, आटा 5 रुपए किलो मिल रहा है, दाल तो फ्री में बट रही है, लोग घर घर जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के, और दरवाजा खटखटा खटखटा कह रहे हैं कि भैया दाल कम तो नहीं है, गैस सिलेंडर और तो नहीं चाहिए, सब भरे दे रहे घर के अंदर। ये मामला है, इन लोगों से बात कर रहे हैं, इन्होंने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। दिवाकर जी कुछ कह रहे हैं, तारिक भाई दिवाकर जी कुछ कह रहे हैं, हाँ दिवाकर जी क्या, अरे कहें सुना तो जाता ही, आप सुने, आप अपने पुराने पार्टी के सरकार चलाए हैं और आपके यहाँ आपके राष्ट्रीय मुखिया कहते हैं, जो शब्द आपने बलात्कार शब्द लिया, उस बात को बलात्कार शब्द को नहीं लाना चाहिए आपको, हमारी सरकार बलात्कार के लिए पॉक्सो एक्ट बना करके तुरंत सजा देने का काम किया है, आप कहाँ हैं, हमारी सरकार नहीं करती है, गलती हो जाती है, सुनिए सुनिए, और माननीय न्यायाधीश के, अरे माननीय न्यायाधीश के निर्णय पे आप उंगली उठा रहे हैं, माननीय न्यायाधीश के निर्णय पे आप उंगली उठा रहे हैं, आप अपने बयान पे आइए, सरकार ने लिख के दिया है, गुजरात सरकार ने लिख के दिया है, पूरी बात पता करिए पहले, गुजरात सरकार का निर्णय है, कैसी बात करते हैं आप, आप के जैसे आरोप लगाने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा देश के विकास का आपके नहीं है, व्यक्तित्व विकास का मुद्दा, व्यक्तित्व विकास का मुद्दा है, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमारे माननीय मोदी जी के व्यक्तिगत कार्यों पर व्यक्तिगत पहनावों पर आप, पुतिन की सरकार नहीं है, आप इतने अच्छे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, घड़ी क्या पहनते अच्छी बात आप देखिए नकल करिए, जैकेट क्या पहनते आप नकल करिए, लेकिन नाच गाना प्रधानमंत्री नहीं करा रहे हैं, सरकार के पैसे से नाच गाना नहीं हो रहा, नितिन भाई देखिए इनके पास जवाब नहीं है, उल्टा ठीक है प्लीज, ठीक है ठीक है, आपके पास आरोप कोई नहीं है, विकास पे आप चर्चा करिए ना, प्लीज प्लीज विकास पे चर्चा करें, व्यक्तिगत आक्षेप लगाइए, मोदी साहब मेक इन इंडिया गाड़ी से क्यों नहीं चलते, आप बता रहे हैं सुरक्षा के बारे में बताएंगे, सुरक्षा के बारे में बताएंगे, ग्लोबल सुरक्षा के बारे में बताएंगे, आप सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, आप कहेंगे कि काहे ने विदेशी हथियार लगाते हैं, काहे राफेल खरीदा गया, आप बताएंगे, आप कहेंगे राफेल क्यों खरीदा गया, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप रक्षा के मामले में समझौता करना चाहते हैं, आप रक्षा के बारे में समझौता करना चाहते हैं, ठीक है प्लीज, ठीक है रक्षा मंत्री, ठीक है भाई हो गया, ठीक है दिवाकर जी, ठीक है, ठीक है तारिक भाई, ठीक है प्लीज, आपके पास कोई आरोप नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, आपके पास दिवाकर भाई, ठीक है दिवाकर जी, ठीक है कोई जगह नहीं है, ठीक है दिवाकर जी, ठीक है ठीक है, तारिक भाई मैं आऊंगा, तारिक भाई मैं आऊंगा, आऊंगा तारिक भाई, आऊंगा। सैयद मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, तकी भाई एक तरफ बीजेपी भयंकर पावर, बड़े बड़े नेता उनके पास हैं, दूसरी तरफ विपक्षी भी हैं आपके सामने, समाजवादी पार्टी ज़्यादातर मजबूत सीटें उनके पास है, कांग्रेस एक ज़माने पे उत्तर प्रदेश में उनका कब्जा रहा है, हालांकि अभी वो भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, आप लोग कैसे लड़ेंगे इनसे?
देखिए ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया धड़ाम से गिरा रुपया। नितिन जी दो चीजें गिरती है तो आवाज नहीं आती, एक प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, दूसरा रुपया। रुपया पिछली बार कितनी बार गिरा आपको आवाज महसूस हुई? 80 रुपए के नीचे चला गया, जिस रुपये के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते थे 2014-2013 के इलेक्शन में कि रुपये को हम डॉलर के बराबर ला खड़ा कर देंगे, 50 रुपए कर देंगे। वो जो देश का सम्मान का प्रतीक है रुपया, जो अर्थव्यवस्था को दिखाता है, कहीं भी आप जाते हैं मुद्रा लेके तो आपकी मुद्रा के ऊपर सम्मान किया जाता है। अगर आप इंटरनेशनल कहीं गए होंगे, मैं भी बाहर गया हूँ, इंडोनेशिया मलेशिया गया हूँ, तो वहाँ पर आपकी रुपये की वैल्यू पर आपकी प्रतिष्ठा आपकी की इज्जत होती है। मैंने देखा जब डॉलर लेके मार्केट में जाते हैं तो वही चीज लोग सस्ते देने पे आमादा हो जाते हैं, और जब आप अपनी करेंसी लेके जाते हैं तो लोग जो है उसको लेने में कतराते हैं। ये आपको सम्मान महसूस होगा जब आप पैसा लेके बाहर जाएंगे। उस प्रतिष्ठा को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने नीचे किया है। ये प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटे काम करते हैं उसके बाद भी रुपया 80 के नीचे चला गया, पता नहीं क्या काम करते हैं। लेकिन मोदी ने काम किया, देखिए जिसके लिए वो आए थे और जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है उन दोस्तों के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया, तभी वो जो है अदानी अंबानी जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहे। 70 करोड़ रुपए उन्होंने घंटा कमाया उस वक्त जब कोरोना में दुकानें बंद थी। ये अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने गैस सब्सिडी कम कर दी, गैस सब्सिडी कम कर दी और 11,000 करोड़ बचाए हैं। वो 11,000 करोड़ अदानी एक दिन में कमा लेते हैं, अदानी पैसा कमा लेते हैं, अच्छी बात है। हम जानना चाहते हैं वो इतने बड़े कलंदर कैसे बन गए, रातों रात कितना पैसा कमा लिया, इतने PSU उन्होंने भी नहीं बनाया। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 6-7 साल के 8 साल के शासनकाल के अंदर एक भी PSU नहीं बनाया, और कितने PSU बेच डाले, कौड़ियों के मोल, और कैसे बेचे, 11 लाख करोड़ों का लोन माफ कर दिया इन लोगों ऊपर, वही जनता के पैसे से हमारे PSU करोड़ों के भाव खरीद रहे हैं और हम ही को वो सुविधाएं महंगी बेच रहे हैं। NTPC पहले रुपया बिजली लेता था, 2-2.5 रुपए यूनिट देता था, आज वही NTPC बिजली इनको दे रिलायंस को और रिलायंस हमको बिजली बेचे 8 रुपए में। वही जो आज जो है रशिया से पेट्रोल कौन खरीद रहा है, हिंदुस्तान के पास बड़ी बड़ी पेट्रोल कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, IPCL है, वो नहीं खरीद रही, रिलायंस जा रहा है पेट्रोल खरीदने के लिए, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। वही रिलायंस कौन है, कुछ रिलायंस। आज रेलवे में अदानी अंबानी को आप लेके आ रहे हैं, आपने बुजुर्गों के किराए जो माफ होते थे 50% वो बंद कर दिया, अब कह रहे हैं 1 साल के बच्चे पे भी फुल टिकट लगेगा। क्या कर रहे हैं आप, टोल टैक्स बढ़ा रहे हैं आप, GST बढ़ा रहे हैं आप। एक फॉर्चूनर बेचने वाला आदमी जो फॉर्चूनर बेचता है कंपनी उस पर 50,000 रुपए कमाती है, डीलर उस पर 1 लाख कमाता है, और सरकार 17 लाख कमा रही है उस फॉर्चूनर के ऊपर। वो GST से जो पैसा कलेक्शन हो रहा है 1.5 लाख करोड़ का उनका फायदा, वो ये खुद कहते हैं, उसके बाद भी आप टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है। रेलवे में आप बढ़ा रहे हैं, आपने हर चीज का रेट बढ़ा दिया, हर चीज महंगी कर दी, आपने दूध तक को नहीं छोड़ा, दूध भी 2 रुपए बढ़ गया, दूध महंगा हो गया, और आपने दूध भी GST लगा दिया, दही भी GST लगा दिया, बच्चों के पेंसिल रबड़ भी GST लगा दिया, कोई चीज आपने छोड़ी नहीं, और कह रहे हैं कि भारत के पास पैसा नहीं है और आप लो और लोन ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, क्या पैसा जा रहा है। आप लोग क्या करेंगे 24 के लिए? देखिए हम लोग जो है घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी की जो सामने स्थिति आ गई 8 साल के अंदर, पोल खुल गई है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इलेक्शन जीतती है और जनता को कैसे लूटती है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से हो सकती है लेकिन आप जनता से को बदला ले रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता को इस बात की सजा दे रहे हैं। अरे जनता ने तो आपको प्रधानमंत्री बना के भेजा है, आपके दिल में जनता के लिए जरा सा रहम नहीं है। आप बच्चों के दूध पे भी टैक्स लगा रहे हैं, अभी सावन गया, सावन के पहले सोमवार के दिन इन्होंने दूध के रेट बढ़ा दिए, GST लगा दिया। अरे भगवान शिव के ऊपर जाते हैं वहां दूध चढ़ाते हैं, उसको भी नहीं बख्शा आपने, कोई ऐसी चीज बची नहीं है जिसके ऊपर GST नहीं लगा, सब पे GST लगा दिया। ठीक है, और सबसे पैसे लेके कह रहे देश घाटे में चल रहा है। ठीक है, मैं कहां पैसा जा रहा है देश का, इतना देश वाले सवाल तो करेंगे। ठीक, मैं आऊंगा। बीजेपी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को बदला जाएगा, और अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़े लीडर बन के उभर रहे हैं। आज आप देखा केजरीवाल जी ने घोषणा भी कर दी, और आते आते थोड़ा वक्त लगेगा। क्या आप नहीं तो क्या आप कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के भी साथ जा सकते हैं अगर अरविंद केजरीवाल? देखिए ये तो हम अपने आप को आम आदमी पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक पार्टी बन के उभरी भी है। आप देखा हमारी स्टेट में सरकारें बनी, दिल्ली में बनी, पंजाब बनी, गोवा में हमारे MLA आए, और हमारे कई जगह सभासद भी जीते, गुजरात में सभासद जीते हमारे, आसाम में सभासद जीते, जम्मू कश्मीर में जीते, मध्य प्रदेश में हमारा पहला मेयर बना, हमारे चंडीगढ़ में मेयर बन रहा था लेकिन इनके वजह से इन्होंने उसमें खुटमेल वही कर दिया, उसमें मेयर नहीं बनने दिया, उसमें तो जोर तोड़ कर दिया। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरे देश में उभरी है हर परिवेश में,
आज हर हर राज्य का आदमी जाता है कि उसके राज्य में अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री हो और अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार हो ताकि उसको चीजें सस्ती मिले। जनता का अधिकार है, ठीक है, सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी, आप इस राजनीतिक परिवेश को किस नजर से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 24 में कौन मजबूत दिख रहा है? और अभी आपने कई सारे मुद्दों के बारे में भी सुना नितिन जी, इस पूरी डिबेट के अंदर, अभी तो पूरी डिबेट बाकी है, लेकिन इस डिबेट के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से बयान दिया, उससे तो स्पष्ट हो गया ना कि 2024 के अंदर मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष अभी भी टुकड़ों के अंदर बटा हुआ है। जैसे डिबेट की शुरुआत हुई तो उसके अंदर कई नेताओं के बयान चले थे, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के नेता का बयान चला था केजरीवाल जी का, और उसी के बयानों की पुष्टि तकी भाई ने कर भी दी। जैसे उन्होंने आरोप लगाया परिवारवाद, ये पार्टियां जो देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, पहला उन्होंने बोला परिवारवाद वाली पार्टी, परिवारवाद की पार्टियां कई है, कांग्रेस भी आ सकती है उसके अंदर, समाजवादी पार्टी भी आ सकती है, भ्रष्टाचार वाली पार्टियां, भ्रष्टाचार वाली पार्टियां कई आ सकती है उसके अंदर, आरजेडी की जो लालू यादव की पार्टी उनके ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगा, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने यह बताने का प्रयास किया कि मैं साफ एवं स्वच्छ छवि का व्यक्ति हूं, मैं पीएम कैंडिडेट के लिए हूं, भारत देश की जनता मुझ पर विचार करे, जो उन्होंने स्पष्ट मैसेज दिया है। राजनीतिक लोग समझ जाएंगे इस चीज को, बाकी लोग ने समझा अलग बात है। तारिक खान साहब जी बोल रहे हैं, इन्होंने भी ब्रांडेड कपड़ों की बात की थी, ब्रांडेड जूतों की बात की थी। भैया ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, शायद मुझे लगता है अखिलेश यादव भी ब्रांडेड जूते पहनते हैं, कुर्ते वगैरह के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर उनके जूते भी शायद ब्रांडेड हों। तारिक भाई बोलिएगा बाद में, शायद मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, शायद, लेकिन जिस प्रकार तारिक भाई सुन लीजिए, लेकिन इंडिया का नारा नहीं दिया, ठीक ठीक तारिक भाई सुन लीजिए, लेकिन इंडिया या मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप पहनावे की बात कर रहे हैं, तो पहनावे नारा अखिलेश का नहीं था, लेकिन पहनावे की बात आपने भी की ना, मैं के नीचे की बात आ रही थी, पहनावे की बात आपने की ना, ऐसा चश्मा के अंदर कपड़े के अंदर भाई सुन तो लीजिए, आप लोगों की बारी आई है, एक एक करके बोलिए भाई, सुभाष जी को बोल दीजिए, फिर मैं आऊंगा बारी बारी, आप लोगों की बारी आई थी, ठीक है दिवाकर जी प्लीज, गारमेंट अरे हो गया भाई, वो बोल रहे सुभाष जी को बोल दीजिए, हाँ कौन से ब्रांड के जूते पहनते हो आप बेहतर जानते होंगे। दूसरी बात यह कि सैफई के अंदर जो नाच गाने का उत्सव होता था, जिसके अंदर बड़े बड़े चार्टर्ड प्लान आते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते थे, पूरा बॉलीवुड उतर के वहां आ जाता था सरकारी पैसे से, वो क्या पैसा खर्च नहीं होता, सरकार के खजाने के ऊपर बोझ नहीं पड़ता था? समाजवादी पार्टी उसके ऊपर अपना कोई स्टैंड नहीं रखेगी। जीएसटी की इन्होंने बात की, सर प्रवक्ता ने बोला महंगाई बढ़ गई, बिल्कुल सही मानता हूं, महंगाई बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग का पूरा फर्क पड़ता है, पर विपक्ष है कहां? जीएसटी बढ़ रही है, विपक्ष सड़कों के ऊपर नहीं आता, महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष सड़कों के ऊपर नहीं आता, विपक्ष है कहां? जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का रूप अदा करती थी जब सत्ता के अंदर वो नहीं थी, लेकिन इस बार विपक्ष है कहां? जनता के बीच में जाने के लिए आप लोग क्यों नहीं तैयार होते? जनता के बीच में तो जाइए, एक दूसरे के ऊपर जो आप लोग ठिकरा फोड़ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग करेंगे क्या? आप लोग अगर यही रवैया अपनाएंगे नितिन जी, तो 2024 के अंदर भी ये लोग मोदी जी को नहीं रोक पाएंगे। विधानसभा चुनाव की जिक्र बात की कि आम आदमी पार्टी बहुत प्रोग्रेस कर रही है, भैया दिल्ली के अंदर थी, दिल्ली अलग राज्य है, सुभाष चंद्र यादव से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या अकेले इलेक्शन लड़ रही है? क्या क्या गठबंधन नहीं कर रही है, साथों को लेकर नहीं जा रही है? हर पार्टी जो है वो गठबंधन करके इलेक्शन लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या अकेले दम पे सरकार बनाई है? मैं आपके साथ जवाब दे रहा हूं, इससे पहले भी सरकार बनाई है, मैं जवाब दे रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सारे दलों को लेकर चलती है, वो एनडीए बना हुआ है, एनडीए ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के अंदर कौन रहेगा मोदी, आप कौन से अंदर बताइए, आपने तो एनडीए का हिस्सा है, आप यूपी का हिस्सा है, आप हिस्सा है कौन सा बताइए जरा, आपके सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप यूपी का हिस्सा है, क्या एनडीए का हिस्सा है? हर घटक दल जो है अपना रोल निभा रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की पूरी कोशिश करेगी और हर जगह लड़ेगी और चाहेगी कि विपक्ष की सरकार आए। यानी आप कहीं ना कहीं ये बोलना तो चाह रहे हैं कि विपक्ष की सरकार आए, लेकिन कैसे आए विपक्ष की सरकार? पीएम का कैंडिडेट कौन रहेगा? आपके नेता ने अभी डिबेट की शुरुआत की, आपके नेता ने क्या बोला? पीएम के भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, ये आरोप किसके ऊपर लगाया? ऐसे कैंडिडेट के चेहरे हैं अब बीजेपी के पास, मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी के चेहरे, मोदी जी के चेहरे, एक चेहरे का, एक चेहरे का चेहरा देवल तो कुछ ऑप्शन तो है ना बात, जनता को चुनाने के लिए भाई मोदी जी का चेहरा, चलिए मान ली एक ही चेहरा है, लेकिन आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है मोदी जी के चेहरे को मुकाबला करने के लिए, एक चेहरा तो लाओ, आप नहीं देखना चाहते, एक चेहरा चलो आप दिखा दीजिए ना, आप ही एक्सेप्ट कर दीजिए क्या केजरीवाल साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए, बिल्कुल केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल यही तो मैं सुनना चाह रहा था,
24 के अंदर मोदी जी को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि केजरीवाल पीएम कैंडिडेट रहेंगे, शैलेंद्र तिवारी जी की पार्टी तरफ से राहुल गांधी जी बिल्कुल रहेंगे कैंडिडेट, अखिलेश यादव जी का स्टैंड क्लियर है नहीं, बिहार से नीतीश कुमार है ही, टीएमसी से ममता बनर्जी है ही, तो विपक्ष को क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है 2024 के अंदर भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे ना, तो मोदी जी को तो छोड़ दिए, पूरे एनडीए को आप नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, शैलेंद्र तिवारी क्या कह रहे हैं? हाँ शैलेंद्र भाई क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए। ये जो सुभाष जी बोल रहे हैं, हाँ, मैं इनसे पूछा था कि जनसंघर्ष जन मोर्चा संघर्ष के हैं क्या? हाँ जनता संघर्ष मोर्चा। हाँ हाँ, तो ये जो ये जनता संघर्ष कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जवाब दे दूं इनका मैं? तो जवाब दे दूं मैं नितिन जी? हाँ बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। जनता संघर्ष मोर्चा संगठन है। अब यहाँ पे जो मैंने बात की थी ना, आपने लगता ध्यान से सुना नहीं, आप लोगों को यही सबसे बड़ी कमी, बातें फट से चुभती हैं, आपने इस बात को गौर क्यों नहीं किया? अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे? राहुल गांधी नहीं रहेंगे? बताइए, अगर चुभने वाली बात होती तो मैं आपको बोलता। सुनिए, सुन लीजिए, अभी आपकी सरकार राजस्थान के अंदर जालौर के अंदर एक दलित बच्चे को पानी छूने की वजह से पीट पीट कर उसको मार दिया जाता है, आपकी सरकार सोती रहती है, ये बातें आपको चुभेंगी? ये बातें आपको चुभती है? नहीं चुभती आपकी बातें, आपको मेरी बातें चुभती है? आपको आपकी सरकार का कारनामा नहीं दिखता? आपको मेरी बात चुभ रही है? मेरी बात मुझे आपकी बात नहीं चुभ रही, आपको मेरी बात चुभी आपको? आप बोल दीजिए ना कि आपकी पार्टी के जो नेशनल लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है, एक बार बोलिए तो सही, एक बार बोलिए, आप बोलिए राहुल जी कैंडिडेट नहीं है। अरे बोल तो दीजिए राहुल जी कैंडिडेट नहीं है, बताइए, बोल दीजिए, जैसे तक भाई ने स्पष्ट बोल दिया क्यों कैंडिडेट बन सकते, आप बोलिए राहुल जी कैंडिडेट है कि नहीं, बताइए। डिबेट का रूल है, आप या तो बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। आपके सवालों का जवाब ही दिया आपने, मुझसे पूछा था। ठीक है शैलेंद्र भाई बोलिए, समझ दीजिए, जब हम बोलेंगे तो दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप बहुत जवाब देने वाले, जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए शैलेंद्र भाई बोलिए। देखिए, ये जो भी महाते हैं, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते? वेरी गुड शैलेंद्र, शाबाश, आपसे यही उम्मीद थी। अरे सुनिए ना भाई, उम्मीद थी या नहीं? आपसे यही उम्मीद थी, हमें भी आपसे यही उम्मीद है। आप हमसे क्यों उम्मीद रखेंगे, उसको हम सीरियस लेते भी नहीं है, क्योंकि जनता आपको सीरियस नहीं लेती, हम आपको क्या सीरियस लेंगे? आप सुनिए तो, आप नहीं लेंगे, हम जनता नहीं लेते, हम क्यों लेंगे? नहीं, आप मत लीजिए, आपकी जरूरत भी नहीं सीरियस लेने की, तो थोड़ा डिबेट में धैर्य बनाए रखिए। हमने आपको सुना ना, हम तो बीच में नहीं बोले। बोलिए बोलिए, आप ही रहे। हाँ बोलिए। समस्या ये है कि जब आदमी किसी मूर्ति के पीछे छिपता है तो बुरा लगता है। आप सीधे बताओ कि हम प्रवक्ता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरी बात, उनको ये जानना है कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, ये फलाने कैंडिडेट है, विपक्ष ये विपक्ष वो। अरे भाई, विपक्ष के सामने साफ सुथरा कैंडिडेट है, हर मोर्चे पे लड़ने वाला आदमी है। एक भी मोर्चा बता दीजिए जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मोदी जी बोलते ना हो, दूसरे कौन से लोग इसके खिलाफ बोलते हैं? बोलते ही नहीं है, शुरू से लेके आगे तक राहुल गांधी इनके आगे होते हैं, और वो बता रहे प्रधानमंत्री चेहरा। अरे आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? चेहरा है तो आपको कोई दिक्कत हो, आप भी जाके शामिल रहिए वास्तव में, कौन मना कर रहा है? आप जनता के मोर्चे पे, आप बताइए, महंगाई के मुद्दे पे हो या बेरोजगारी के मुद्दे पे हो या आपके जो है अर्थ कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हो, हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में जाती है, संघर्ष करती है। अब कोई आदमी आपका अंधा नाम है, सीधी सी बात है कि इन सारी व्यवस्थाओं में जनता के लिए सड़क पर संघर्ष, पैन इंडिया, ये गली मोहल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ, पैन इंडिया के धाम पर कोई है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई विचारधारा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो गांधी विचारधारा है, जिसके विचारधारा के साथ लोग जुड़ेंगे और जुड़े है। ठीक है, बात दूसरी बात, एक परिवारवाद की बात कर दें। हाँ। अरे कौन से परिवारवाद से दिक्कत है? क्यों ले लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को? क्यों ले लिया रीता अरोड़ा ज्योति को? क्यों ले लिया तमाम लोगों को? तमाम नहीं, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ना भाई, अरविंद केजरीवाल ने कहा। अरे सुन तो लीजिए बेटा, हम अरविंद केजरीवाल को संज्ञान नहीं लेते ना, हम संज्ञान ले रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, अरविंद केजरीवाल को संज्ञान नहीं लेते हैं। जिसकी बात करो उनकी सुनिए ना, अरे वो पीएम कैंडिडेट हैं तिवारी जी, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद की बात, और क्या आपको क्या है? राजकार सन्यासी गजभद्रा का विद्यार्थी क्या मतलब है? आप बताइए जनता के दर्द को क्या समझेंगे? जिसको जो
कच्चे जो है राख में नंगे पैर चला ही नहीं हो, उसे क्या पता कि धूप में चलने से पहले चले पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात करते हैं और सारे परिवार के नेताओं को ले लिया है। ठीक है शैलेंद्र भाई, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हाँ जी, आपने सवाल आपने जो मुझसे सवाल पूछा 24 के अंदर, उसका जवाब दो प्रवक्ताओं ने दे दिया। पहले तकी भाई ने दे दिया, दूसरा तेरी तिवारी जी ने दे दिया। तिवारी जी ने बोल दिया क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने, हमारे राहुल गांधी हर मोर्चे पर लड़ते हैं। केजरीवाल जी को संज्ञान में नहीं लेते। अरे भैया, जो पार्टी दो प्रदेशों के अंदर आ गई कम समय के अंदर, और आपकी पार्टी भी दो प्रदेशों के अंदर सिमट गई है, और उस पार्टी के संयोजक को, उस पार्टी के लीडर को आप बोलते हम संज्ञान में नहीं लेंगे, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए जनता आपको संज्ञान में नहीं लेती। सुन लीजिए यार, सुनती रहिए। शैलेंद्र देवाल जी, लगता है बीपी बढ़ गया आपका बहुत ज्यादा। आप एक ऐसे मुख्यमंत्री को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं जिसने कम समय के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राज्य, पूरे देश के अंदर पार्टी का अपना ढांचा मजबूत किया, वो उनको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। नितिन जी, यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि 2024 के अंदर विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ, पूरा बिखरा हुआ। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस का अपना पीएम है, केजरीवाल जी का अपना पीएम है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब पीएम मटेरियल है, क्योंकि पार्टी में सारे लोग पीएम मटेरियल हैं, ये सब लोग अपना अपना पीएम बनाएंगे। ये लोग क्या, ये क्या, ये क्या मुकाबला करेंगे 2024 के अंदर मोदी जी का? तकी भाई, सुन लिया होगा आपने, संज्ञान में भी नहीं ले रहे आपको। देखिए, कांग्रेस जो है वो जीरो सीटों पर सिमट गई थी, इनको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से लगातार कांग्रेस की जीरो सीटें आ रही दिल्ली में, पंजाब में भी इनको आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बाहर कर दिया, और गोवा में भी आम आदमी पार्टी की 2 सीटें आई हैं। तो आम आदमी पार्टी को तो पूरा देश बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहा है, और जो मॉडल अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तुत किया था उसकी चर्चा हर राज्य में हो रही है, हर व्यक्ति चाहता है उसके राज्य में अरविंद केजरीवाल जैसा जो है मुख्यमंत्री बने, उसकी सरकार आए, और पूरे देश के संज्ञान में क्यों नहीं लेना चाहते? ये संज्ञान में नहीं लेना चाहते, लेकिन को लेना पड़ा संज्ञान में, दिल्ली में संज्ञान में लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा, पंजाब में लेना पड़ा, नहीं पड़ा। परिस्थितियां जो है वो लोगों को पहचानवा देती हैं, समय लगता है, थोड़ा सा समय और लगेगा, इलेक्शन आने दिए 2024 के बाद, आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी से छोटी पार्टी बनकर रह जाएगी 2024 के इलेक्शन के बाद। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सीटें दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में भी एमपी की अच्छी सीटें आएंगी, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और मुख्य मुख्य पश्चिम पार्टी बन गई। कितने एमपी हैं? कितने एमपी हैं? एमपी तो एक था, हमारे 4 थे, एक था, लेकिन एमपी आने वाले टाइम में भी आएंगे। हम 2024 की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे एमएलए भी हैं, हमारे सभासद भी हैं, हमारे मेयर भी हैं, हम कई राज्यों में प्रेजेंट हैं, हमने कई राज्यों में इलेक्शन लड़ा है, हमें अनुभव हो चुका है, हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, हम हरियाणा में चुनाव लड़ चुके हैं, हम हिमाचल प्रदेश चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमने कई राज्यों में चुनाव लड़ा, पंजाब में जीत चुके हैं, हम गोवा में चुनाव लड़ चुके हैं, तो हमें 10-12 राज्यों में चुनाव लड़ने का पूरा अनुभव है। मध्य प्रदेश में क्या कह रहे हैं, झारखंड सुन लिए, आपको परेशान हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, आपके अंदर खलबली क्यों बची हुई है? जब से अरविंद केजरीवाल ने, मैं देख रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तब से कांग्रेस में, विपक्ष में, बीजेपी में खलबली मची हुई है, सब परेशान हो जा रहे हैं। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का भला होगा, सबको शिक्षा अच्छी मिलेगी। आप क्या चाहते हैं, शिक्षा फ्री ना मिले? आप क्या चाहते हैं, लोगों को महंगाई से निजात ना मिले? आप क्या चाहते हैं, अदानी? ठीक है, प्लीज, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, हो गया, हो गया आप लोगों का, हो गया, ठीक है। तारिक भाई, ये क्या चल रहा है? इससे तो सुभाष भाई की बात सही हो जाएगी भाई, जो वो कह रहे हैं। भाई ऐसा मत करिए, आप दोनों, हमें कांग्रेस की और आप लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ, ऐसा मत करिए। हम सुभाष भाई की जो जो उन्होंने विचार रखे वो सही हो जाएंगे। ऐसे देखिए, जब तक हम लड़ने यहाँ आए थे भाजपा से, आप लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में सपोर्ट किया था, आम आदमी पार्टी को नहीं किया था, परिस्थितियां ऐसी बनी थी जब पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार में हमें उठाना है। अच्छा नितिन भाई, मैं बता दूं, तारिक भाई स्पष्ट कर, देखिए रुपए रुपए जी, तारिक भाई, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार दिल्ली बनी थी तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, नहीं किया था? सपोर्ट भाई नहीं दिया थी? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो आने वाले समय में राष्ट्र स्तर के ऊपर भी, फिर रिएक्ट कर रहे हैं, राष्ट्र स्तर के कांग्रेस को पीछे आना पड़ेगा ना, सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। नहीं सही है, बड़े भाई कोई कभी भी आगे जा सकता है,
इसमें ये लोकतंत्र बताएंगे, समय तय करेगा 2024 में क्या होगा। और आपकी पार्टी ने अच्छा काम किया है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। नितिन भाई जी, आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, जोगी जी की तारीफ कर दीजिए ना भाई, जोगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं होगा लगे, जोगी जी माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ कर दीजिए। मौका पड़ता है करता हूं, जब जब अच्छा काम करेंगे तो करूंगा। ताकि वो नितिन भाई, मैंने जो मुद्दा उठाया, देखिए रुपए की बात होती है, रुपए गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, मैंने उसके वजह को पकड़ा। नितिन भाई, फिस्कल डेफिसिट होता है कि आप कितना सामान बाहर बेच रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं। वो हम बहुत ज्यादा खरीदते हैं, कम बेचते हैं। जब पीएम मोदी ने कहा था कि हम मेक इन इंडिया करेंगे और यहां बनाएंगे और बाहर बेचेंगे, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि फाइनेंस मेरा विषय है इसलिए कह रहा हूं। लेकिन उसपे जो काम हुआ वो बहुत धीमे हुआ। मैंने आपसे कहा कि मैं शक्कर कल से खाना नितिन भाई छोड़ दीजिए, और मैं खुद इतनी बड़ी बड़ी बोरी शक्कर की मुंह में भरे ले रहा हूं। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि आपको मेक इन इंडिया की बात आपने की थी, अखिलेश यादव ने नहीं की है, और इसी मेक इन इंडिया में सोल्यूशन रखा है। सैमसंग का पैसा कोरिया चला जाता है, टोयोटा का पैसा कहीं और चला जाता है, जितने बीएमडब्ल्यू ये सब ब्रांड है ये जर्मनी पैसा चला जाता है, एप्पल का पैसा अमेरिका चला जाता है, हमारे पास एक चीज भी नहीं है ऐसी। जब पीएम ने कहा था, बड़ा गंभीर मुद्दा है ये, और सब लोगों को इस पे साथ आना चाहिए, इसमें पार्टी का मसला नहीं है, कि जब आपने कहा था कि अब हम मेक इन इंडिया करेंगे, तो मुझे लगा था कि जैसे ही हमारा फिस्कल डेफिसिट डाउन होगा नितिन भाई, रुपए मजबूत होने लगे। आप जान लीजिए सीधा सा, क्योंकि रुपए की मजबूती डिमांड सप्लाई पर निर्भर करती है, क्योंकि उनको हमारा सामान खरीदने के लिए रुपए खरीदने पड़ेंगे, बस मामला बराबर हो जाएगा। लेकिन हम नितिन भाई, गेहूं दाल चावल के अलावा और आईटी, दो चीजों के अलावा हम और कोई चीज नया नहीं डेवलप कर पाए। हम आईटी में बढ़े आगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जहां तक वही है, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया की बात की थी, उस तरीके से ये जो रुपए पैसे और ये सारी समस्या अच्छा खासा हल वहीं पे है। ठीक है, लेकिन कम काम हुआ, कम काम हुआ, ठीक ये बात नहीं। ठीक है, दिवाकर, मेरा मकसद ये था। ठीक है, ठीक है तारीख, दिवाकर जी देखिए नितिन जी, विपक्ष अपने चक्कर में पड़ा हुआ है, अपने मुझे कहना नहीं चाहिए, सारी बातें सभी लोगों ने कह दी और यहाँ प्रकट भी हो गया, ये अपने परिवारवाद, अपने स्वार्थ और स्वयं के व्यक्तित्व विकास के अलावा देश की चिंता किसी को नहीं। तो शैलेंद्र तिवारी कह रहे कहाँ परिवारवाद है, नहीं सुन लीजिए, शैलेंद्र तिवारी जी से कह दीजिए ना, इनके पास चेहरा कोई है, गांधी परिवार ज्यो थोड़े दिन बाहर रहा, इन लोगों ने फिर मिल करके, मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूँ, पार्टी की समस्या इनकी है उसमें मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर राहुल गांधी जी के अलावा और कोई चेहरा इनके पास नहीं। कार्यकारी अध्यक्ष होंगे तो वही होंगे, या तो अध्यक्ष सोनिया जी रहेंगे, कोई आज तक कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बना इनके बीच में, इनके संविधान में, इनके पार्टी संविधान में नहीं जाना चाहता हूँ, ये भी मुझे नहीं कहना चाहिए कौन इनका क्या है। हमें तो एक सशक्त विपक्ष आए, सदन में चर्चा करे, विपक्ष किस लिए होता है इन लोगों को मालूम है नहीं, विपक्ष तो लड़ रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन। अमित शाह जी ने कहा था विपक्ष में ही राजनीति की तैयारी करिए। अरे सुन लीजिए, अरे सुनेंगे आप, विपक्ष विहीन, हम तो चाहेंगे हमारा सामने हमसे लड़ने वाला कमजोर, हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई, आप अपने बच्चों, अरे आप हमारी, आप कमजोर, अरे आप, हम तो चाहते हैं कांग्रेस विहीन हो जाए भारत, हम तो चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस विहीन हो जाए, ऐसे लोगों को नहीं जरूरत है जिनके पास कोई विजन नहीं है। विजन है आपके पास कोई रेवड़ी के अलावा, क्या आप बात करेंगे, कोई विजन है देश के बारे में, देश को सुनिए, 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 आप कहे मैं चुप रहा हूँ, अभी आप नियम फॉलो करिए, अभी आपने खुद पूछा विजन है तो मैंने विजन की बात, मैंने नियम फॉलो किया, मैं चुप रहा आपकी बात सुनते हुए, सवाल मुझसे पूछा था तो मैंने जवाब दिया, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा था, आपने सवाल पूछा, ठीक है बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, समय भी कम है, दिवाकर जी पूरा कीजिए, सुनिए। तो विपक्ष के पास कहीं कोई विजन नहीं है देश के प्रति, इनकी देश के बारे में कोई सोच नहीं है, ये आम जनता माने गरीब की झोपड़ी तक कैसे खुशहाली पहुंचे इसके पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे गांव के कुनबे कुनबे तक सड़क हो पक्की, इनके पास कभी आज तक ऐसी योजना नहीं आई, और जब ये सारी योजनाएं हो रही हैं, त्वरित गति से विकास हो रहा है, मुफ्त इलाज हो रहा है, भोजन हो रहा है, आज तक आपने सुना कोई भूख से मरा, कहीं लाठियां खाद के लिए चली, कहीं भ्रष्टाचार हुआ,
एक भी रुपया जाता है तो एक रुपया पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? सारे लोग बिल बिला रहे हैं, लूटने को इनको चांस नहीं मिल रहा है। और अपराध के नाम पे, अपराध के नाम पे पूरा भारत के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पूरे भारत के मुख्यमंत्री और पार्टियों कह रहे हैं कि हमें जोगी मॉडल चाहिए, हमें जोगी मॉडल चाहिए। इस तरह से अपराध पे कंट्रोल हुआ है, अपराधी अंदर है, सलाखों के पीछे हैं, अपराध हमारी माताएं बहने सुरक्षित हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप अपने में लड़ते रहिए, आप अपने में, आप और आपकी स्थिति तो कांग्रेस की स्थिति तो आपको आप चैलेंज कर रही है, आप बने थे सबसे बड़ी पार्टी, आपको आप चैलेंज कर रही है, आप क्या बात करेंगे? कोई विजन रहता, कोई नेता रहता, परिवार से हट के आइए तो समझ में आए। और हमारे यहाँ तो निश्चित हमारे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आज मैं हूँ। अच्छा बता, आप में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा? आप में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा? दूसरा, कांग्रेस परिवार में परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा? हमारे में तो पता नहीं रहता कि अगला अध्यक्ष क्या करेगा, अगला राष्ट्रपति कौन होगा, अगला राष्ट्रपति। हमने दलित आदिवासी महिला का सम्मान बढ़ाया, आपको नहीं लग रहा है? आपको चुप रहा है? आपको परिवार के अलावा कुछ नहीं है? आपको परिवार के अलावा कुछ नहीं चुप रहा है? केवल केवल आपको परिवारवाद और अपने विकास की बात करते हैं। ठीक है, हो गया आप लोगों का। हाँ सुभाष जी, कंक्लूड कीजिए। जी मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी डिबेट के माध्यम से विपक्ष में पूरा बिखराव सामने आ गया, विपक्ष आज तक और अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि 2024 के अंदर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए चेहरा कौन है। पूरी तरीके से जाहिर हो गया, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही है। हाँ बोलिए शैलेंद्र भाई, मैं आ रहा हूँ। शैलेंद्र भाई मैं आ रहा हूँ। ये तो क्लियर हो गया है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, हर पार्टी के पास अपने अपने चेहरे हैं। मैं आ रहा हूँ शैलेंद्र भाई, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। सुन लीजिए, उस बात की पुष्टि तारिक भाई ने कर भी दी। रही बात रुपया गिरने की, बिल्कुल सच्चाई वाली बात है, डिमांड एंड सेल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके लिए विपक्ष कहीं ना कहीं खुद कमजोर पड़ा हुआ। विपक्ष पूरी तरीके से जनता की मांगों को सड़कों के ऊपर आके उठा नहीं पा रहा है। यहाँ पे तकी भाई ने थोड़ी देर पहले बोला था, जब दिवाकर भाई ने बोला कि योगी जी की तारीफ कर दीजिए, तो तकी भाई ने उस पर कटाक्ष किया था कि वो तारीफ सुभाष भाई करेंगे। बिल्कुल तकी भाई मैं करूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले अगर देखा जाए तो योगी जी बेस्ट है। जो सही है वो सही है, वो जो गलत है वो गलत है। आपकी जब तारीफ की मैंने संगठन की, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। आप उसको भी देखिए ना, जब गलत है तो गलत बोलूंगा, सही है तो सही बोलूंगा। योगी जी तारीफ के काबिल नहीं, तो तारीफ करूंगा मैं। न्यूजर्सी के अंदर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर, नितिन भाई आप ही के मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, आप ही के जरिए वहां पे योगी जी की तारीफें चल रही है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वहां पे भी जाके भाजपा ने कुछ अपना एजेंडा चलाया क्या? यानी विदेशों के अंदर अगर डंका बज रहा है योगी जी का, तो जाहिर सी बात है कुछ है उस व्यक्ति के अंदर, उस मुख्यमंत्री में कुछ है। तो तारीफ के लायक अगर व्यक्ति है तो तारीफ करूंगा। ताकि भाई ठीक है, शैलेंद्र तिवारी जी जबरदस्ती उत्तेजित हो जाते हैं। शैलेंद्र भाई क्या कह रहे हैं, 10 सेकंड मसले पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे। शैलेंद्र भाई 10 सेकंड। अरे सारा ज्ञान तो आप ही के पास है सुभाष भाई, बाकी लोग तो यहां क्या करें, ज्ञान लेके बैठना पड़ता है ना। आपके जैसे अज्ञानी बन के तो नहीं बैठेंगे ना। आपका सारा ज्ञान लेके बैठना पड़ता है, जवाब देने में चला गया। आपके पास ज्ञान की खजाने कमी हो गई है। आप अपने 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 ईडी के सवालों का जवाब आपके पास है नहीं। रोज रोज सड़क पे आंदोलन करते हैं, अरे सीधे सीधे आप जवाब दे दीजिए। सबसे ज्यादा सड़क पे अगर अत्याचार होता है तो राजस्थान की गवर्नमेंट के अंदर हुआ, अभी तक इन 5 सालों के अंदर, लेकिन राजस्थान सरकार कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तकी भाई 10 सेकंड। देखिए आम आदमी पार्टी जो है भारत को दुनिया का सबसे उत्कृष्ट देश, सबसे नंबर वन देश बना जाती है, और हमारी तो आबादी 137 करोड़ नहीं है, हमारी संभावना 137 करोड़ है। हर आबादी, हर व्यक्ति एक संभावना है, इसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, उस टैलेंट को उभारने की जरूरत है, बाहर निकालने की जरूरत है। हम भारत को देश का सबसे अच्छा चिकित्सा का हब बना सकते हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, सबसे ज्यादा पैरामेडिक्स कर सकते हैं, सबसे अच्छे स्कूल बना सकते हैं, सबसे अच्छे टीचर बना सकते हैं, सबसे अच्छे हम यहाँ से स्किल के नाम पे लोगों को डेवलप कर सकते हैं, हम और पूरी दुनिया से सबसे अच्छा टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, हॉस्पिटल टूरिज्म कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं, दुनिया भर के लोगों को हम यहाँ एक बड़ा स्कूल बना सकते हैं, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने ट्रेनिंग लेने आए और करोड़ रुपया आ जाए। नितिन भाई जी, सुभाष भाई की बात सही है, बड़ा चैलेंज है विपक्ष के सामने, मुद्दों से दूर ले जाती है वो, और उसको लेके आना, लोगों को समझाना कि हाँ वाकई में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, ये एक टफ टास्क है विपक्ष के लिए, और उसको उसको कोशिश अपनी तरफ से पूरी करनी चाहिए कि हम जनता से इस मसले को कनेक्ट कर सकें कि हाँ ये सब जनता की मूलभूत परेशानी है, और भाजपा इनको एड्रेस करने के बजाय आपको गोल गोल घुमा के और वोट लेती रही है।
उस चीज को समझाना पड़ेगा विपक्ष को एक साथ आकर। मैं ये बात कहता हूँ कि साथ में आए तारिक जी, आज मेरी बात सुना नहीं गौर से, ठीक है तारिक जी, आज सुना नहीं गौर से, मैंने बोला था पहले। शैलेन भाई 10 सेकंड। शैलेन तिवारी आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ ऑडियो डिस्टर्ब है आपका। चलिए ठीक है, दिवाकर जी कंप्लीट कीजिए। हाँ, मुझे ये कहना है पूरे हमारे सम्मानित भाइयों को सुनते हुए, ये लोग पहले इनके पास कोई मुद्दा हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, हर जीरो से टॉप टू बॉटम सब पे हमारी सरकार काम कर रही है, सबकी जनाकांक्षाओं की पूर्ति कर रही है, सारे जितने आवश्यकता है सबको पूर्ति करने में तत्त प्रयत्नशील है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई समझौता नहीं है, विकास पे कोई समझौता नहीं है, यह बदलाव आया है और भारत का मस्तक विश्व में ऊंचा हो गया है, इस पे भी हमको गर्व करना चाहिए। और दलित आदिवासी सम्मानित महिला हमारी राष्ट्रपति है, इस पे क्या इन्होंने कभी विचार किया था? हमारी सरकार, हमारे बड़े नेता हर एंगल हर पहलू पे ध्यान दे रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक ठीक, विपक्ष जीरो है। समय कम है, प्लीज समय कम है, समय कम है, आप सभी 10 सेकंड समय कम है। ताकि भाई फिर अगली 10 सेकंड बोलिए। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा बन तिवारी जी मना कर रहे हैं आपको, सबको साथ में आना पड़ेगा, कांग्रेस भी आएगी, सब लोग साथ में आएंगे, विपक्ष का एक चेहरा होगा अरविंद केजरीवाल। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो सत्ता है और सत्ता के साथ जो मजबूत विपक्ष है बिखरा हुआ, वो अब 24 की तैयारियों में लगा हुआ है। ऐसे में 2022 के जो मुद्दे थे, क्या उन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा? जनता के मुद्दों पर, हमारे आपके मुद्दों पर, या फिर 24 के चुनाव या फिर केंद्र के चुनाव किसी अन्य मुद्दे पर होंगे, और वो मुद्दे क्या होंगे उस पर भी हमें और आपका विचार विमर्श करना जरूरी है। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।